मोबाइल्स लग चुके अपनी गाड़ी लिफ्ट पे एंड अभी प्रॉपर इसकी चल रही है भाई, डायग्नोसिस वगैरह पूरी है देखो भाई, प्रॉपर टॉर्च वगैरह से पूरा हो रहा है इसका। सो गाइस ये है अपनी होंडा सिटी की सर्विसिंग का बिल एंड इसमें भाई ये सारी चीज़ें हमने कराई हैं। बैक टू माई न्यू ब्लॉग और आज के इस ब्लॉग का टाइटल हमने देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी होंडा सिटी की सर्विसिंग कराने एंड इसके गाइस 60,000 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं, इनफैक्ट 60,500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये वैसे तो यार लास्ट वीक की ड्यू थी बट किसी कारण से मैं करा नहीं पाया था तो आज करा रहा हूँ। एंड बाकी इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी वो करानी है चेक, और अभी तक तो यार गाड़ी मक्खन चल रही है टच कोड एंड बाकी चलते हैं अभी। और मैंने ऐसे आपको कुछ ब्लॉग्स पहले बताया था कि एक एक कूपन था मेरे पास जो कि मैंने 1,000 रुपीज़ का लिया था तो उसमें कुछ कुछ मेरे को ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे पास में एक वर्कशॉप है तो वहाँ से मैं करा रहा हूँ। तो फिलहाल आ चुके हैं एंड यहाँ पर जाना है हमें श्री राम मोटर्स, और वही रास्ता देखो यार कितना ख़राब है, मेन रोड से ऊपर थोड़ा सा आके है ये एंड भाई बहुत ही ख़राब रास्ता है यार यहाँ पे, भाई कैसे जाएगी गाड़ी। भाई अभी मैं आ चुका हूँ वर्कशॉप पे एंड अपनी गाड़ी की पूरी डायग्नोसिस हो चुकी है एंड यहाँ पर यार बहुत ही प्रॉम्प्ट इन लोगों की सर्विस, और अभी अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली जाएगी तो अभी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने इनको बता दी हैं। तो भाई अपनी कार की टेस्ट ड्राइव तो पूरी हो चुकी है, अब उसकी थोड़ी सी डायग्नोसिस और चल रही है, इसमें कुछ दो चार कंप्लेंट्स मैंने करी थी तो उसके भी ये चेक कर रहे हैं, जैसे कि बाहर के स्मोक की स्मेल जो है वो अंदर आती थी तो उसका वो चेक कर रहे हैं, और दो तीन चीज़ें और थी छोटी छोटी वो भी चेक होंगी इसमें। और मोबाइल्स लग चुके हैं अपनी गाड़ी लिफ्ट पे एंड अभी प्रॉपर इसकी चल रही है भाई, डायग्नोसिस वगैरह पूरी है देखो भाई, प्रॉपर टॉर्च वगैरह से पूरा हो रहा है इसका। एंड बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका सारा डिटेल में दिखाऊंगा एंड इस ब्लॉग को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है ये। तो और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा इस, तो चलो चलते हैं मैं दिखाता हूँ आपको एंड बाकी जितना भी इसका कॉस्ट वगैरह का होगा टोटल सारा मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगा, तो बने रहे ब्लॉग के एंड तक। सो गाइस ये है अपना एयर फिल्टर, ये एसी फिल्टर है, ये एसी फिल्टर है, होंडा का जेन्युइन है ना। और ये क्या है और ये इंजन क्या है? ऑयल ऑयल भी डलता है इंजन के।
शोरूम अभी डल रहा है अपनी गाड़ी में, इंजन ऑयल कैस्ट्रोल का मैग्नाटेक 5W30 और सेमी सिंथेटिक है ये, तो 3.5 लीटर इसमें डलेगा। गाड़ी का इंजन बेल्ट भी चेंज हुआ है बिकॉज एयर काफ़ी घिस चुका है, आप देखो इसमें आपको दिख ही रहा होगा ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है, और इसमें नंबर लिखे होते हैं वो भी मिट चुके हैं, तो ये अराउंड 1600-1700 रुपये का आएगा, ये भी चेंज करा ही लेते हैं बिकॉज अभी सर्दियों में थोड़ा ये ब्रिटल भी हो जाता है, तो अगर ये टूट गया तो वही गाड़ी खड़ी हो जाएगी और फिर मतलब बहुत परेशानी हो जाएगी, तो इसीलिए इसको चेंज करा लेते हैं। तो गाइस अभी हो रही है अपने गाड़ी के टायर्स की बैलेंसिंग, तो इसमें कंप्यूटराइज होता है, इसमें पूरा डिस्प्ले आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वेट्स लगा देते हैं फिर इसमें। तो गाइस ये अपनी गाड़ी की लिंक रॉड भी चेंज होगी, दोनों सेट आता है पूरा दोनों पैर में, तो ये भी ख़राब हो रही थी, यहाँ से देखो आप हल्की सी कट रही है, उधर से भी कट रही थी, तो सस्पेंशन इससे इफेक्ट होता है, तो ये भी चेंज करा रहे हैं अपन। तो भाई ये हो रही अपनी गाड़ी की लिंक रॉड चेंज, तो भाई ये लग चुकी है नई लिंक रॉड ये होंडा सिटी में, और इसका पूरा डिटेल क्या प्राइस है कितने की पड़ा सारा मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। तो भाई ये जो इसके नट थे ना ये भी इसकी बेयरिंग ख़राब हो रही थी, तो ये भी चारों चेंज हो गए हैं और अभी एकदम परफेक्ट। तो गाइस अभी इसके स्पार्क प्लग निकल रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ ये स्पार्क प्लग की क्या कंडीशन है, कंडीशन तो भी ठीक ही है, काफ़ी अच्छी है, अभी तो बदलवाए थे यार महीने भर पहले, हाँ तो ठीक है अभी क्लीन ही होने, क्लीन ही होने, हाँ क्लीन होंगे बाकी ठीक है, चेंज नहीं होंगे। तो गाइस फिलहाल अभी अपनी गाड़ी की वॉशिंग चल रही है, एंड भाई बहुत गंदी हो रही थी गाड़ी, तो वॉशिंग बहुत ज़रूरी थी एंड थोड़ा अच्छे से ही करवानी है वॉशिंग इस बार। तो वही फिलहाल अपन अपनी गाड़ी का हॉर्न भी चेंज करा दें बिकॉज इसका जो अभी हॉर्न लगा हुआ है ना वो अभी पिछले मतलब अभी जब बारिश का मौसम था उसमें कहीं बार पानी वानी घुस गया होगा, तो आवाज़ उसकी काफ़ी फट रही है, तो वो सही से बचता नहीं है, तो मैंने सोचा नया लगवा लेते हैं, वही 800-800 रुपये करीब का होगा। तो वही ये है अपनी होंडा सिटी की सर्विसिंग का बिल, एंड इसमें भाई ये सारी चीज़ें हमने कराई हैं, और ये सारा आप देख सकते हो उसमें रेट वगैरह सारे क्लियरली मेंशन है, और सेकंड पेज भी है इसका ये, तो टोटल हमें पड़ा 10,500। तो भाई टोटल ये सर्विस जो पड़ी है 10,500 रुपये, 10,500 रुपये की मोटा मोटा सर्विस ये पड़ी है। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है यार, और बहुत टाइम भी हो गई भाई, अभी 2:30 बज रहे हैं और सुबह में आया था 10 बजे के भी बाद, तो ऑलमोस्ट मान लो 4 घंटे में बढ़िया मेजर सर्विस थी, और 60,000 किलोमीटर पे मेजर सर्विस वही 4 घंटे में करना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत फास्ट करी इन लोगों ने,
एंड लास्ट में छोटा मोटा कुछ काम था, इधर उधर हॉर्न मैंने चेंज करवाया, उनकी आवाज भी अब एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो इसमें अपन ने लगवाया बॉश का हॉर्न और वो पड़ा अपन को 1000 रुपये का इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। तो बाकी यार अभी तो बस मैं घर जा रहा हूँ, नहाऊंगा बिकॉज सुबह से जस्ट ब्रेकफास्ट किया था, अभी लंच भी करना है, भूख लग रही है। तो बस अभी चलते हैं घर एंड करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।